बच्चों, जय श्री कृष्णा। सिद्धेंद्र विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो सेकंड क्लास के बच्चों कलम क्या सीख रहे थे? कलम सीख रहे थे निबंध मोर का और गाय का। आज हमें क्या सीखना है? मेरा परिचय। मेरा परिचय बेटा, तुम अपनी या किसी भी चीज़ के लिए किसी को जानकारी देते हो तो वो हो जाता है उस चीज़ का परिचय। जैसे कि मैं अपना परिचय आपको दूंगी तो अपना नाम, मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, क्या मेरे मम्मी का नाम, पापा का नाम, इस तरह का देकर मैं आपको अपना परिचय देती हूँ। तो ये इसी तरह का है मेरा परिचय। तो इसमें आप लोगों को अपना परिचय देना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है? मेरा नाम है। तो आपने, मैंने यहाँ खाली जगह छोड़ी है क्योंकि मेरे को तो आप सबके नाम नहीं मालूम है। तो आपका नाम जो भी हो, रिंकू, चिंटू, बबलू, कुलदीप, जो भी हो, वो आपको अपना नाम लिखना है। जैसे कि मेरा नाम अपर्णा है तो मैं यहाँ लिखूंगी मेरा नाम अपर्णा है। पर आप लोग नहीं लिखना क्योंकि आपका जो नाम हो आप अपना नाम लिखना। फिर दूसरा क्या लिखा है? मैं सेकंड क्लास में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। लड़के होंगे तो लिखना मैं सेकंड क्लास में पढ़ता हूँ, लड़की होंगी तो लिखना पड़ेगा पढ़ती हूँ। क्योंकि अगर लड़की लिख देंगी मैं सेकंड क्लास में पढ़ता हूँ तो कितना खराब लगेगा ना बेटा। तो लड़कों के लिए पढ़ता हूँ और लड़कियों के लिए पढ़ती हूँ। मैं सूरत शहर में रहता हूँ या रहती हूँ। कौन से शहर में रहते हो बेटा? मैं सूरत शहर में रहता हूँ या रहती हूँ। मेरे पिताजी का नाम, खाली जगह है तो बेटा इसमें आप लोगों को अपने अपने पिताजी का नाम लिखना। पिताजी मतलब पापा, मेरे अपने अपने पापा का नाम लिख देना। वे काम करते हैं तो बेटा आपके पिताजी क्या काम करते हैं? कोई कपड़े सिलता है, कोई हीरे में जाता है, कोई कारखाने में जाता है। तो आपके पापा जो भी काम करते होंगे उधर आपको लिख लेना है, ठीक है। मेरी माता जी का नाम है। अब आपकी मम्मी का क्या नाम है? आप अपनी मम्मी से पूछ के लिख लेना कि मम्मी तुम्हारा नाम क्या है। आप लोगों को तो पता होना चाहिए अपनी मम्मी का नाम, ठीक है। या मम्मी का नाम आ जाएगा। वे घर का काम करती हैं। मम्मी क्या काम करती हैं बेटा? मम्मी घर का ही काम करती हैं ना। आप लोगों को टाइम पे खाना देना, आप लोगों को कपड़े देना, टाइम पे होमवर्क कराना, है ना। मम्मी यही करती हैं ना अपनी। तो ये लिख देंगे। फिर क्या है? मेरे एक भाई और एक बहन है। अब आपके जितने भी भाई बहन हो उतना आप लोग लिख देना। मेरे एक भाई और एक बहन है। मैं सिद्धि हिंदी विद्यालय में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। मैं सिद्धि हिंदी विद्यालय में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, ठीक है। मुझे पढ़ना पसंद है। मुझे पढ़ना पसंद है। मुझे सैनिक बनने का शौक है। मुझे सैनिक बनने का शौक है। मैं बड़े होकर सैनिक बनूंगा या बनूंगी। लड़के होंगे तो बनूंगा लिखना, लड़की होंगी तो बनूंगी लिखेंगे। मैं बड़े होकर सैनिक बनूंगा या बनूंगी और अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगी या करूंगा। और अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा या करूंगी। मैं अपने माता पिता और स्कूल का नाम रोशन करूंगा। मैं अपने माता पिता और अपने स्कूल का नाम रोशन करूंगा या करूंगी। ये हो गया अपना परिचय, ठीक है। इसको क्या करना है? इसको एक बार CW में लिख लेना है और एक बार HW में लिख लेना है। कैसे लिखना है? आज की तारीख डालनी है, आज क्या तारीख है। फिर लिखना है ऊपर मेरा परिचय। क्या लिखना है? मेरा परिचय। उसके बाद सुंदर सुंदर राइटिंग में एक बार CW में और एक बार HW में आप लोगों को लिख लेना है। चलो एक बार और रिवीजन कर लें हम लोग बेटा। तो देखो, मेरा नाम है। आप लोगों का जो भी नाम हो वो अपना लिख लेना। मैं कक्षा 2 में, मैं सेकंड क्लास में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। मैं सूरत शहर में रहता या रहती हूँ। मेरे पिताजी का नाम है। आपके पिताजी का जो भी नाम है पूछ के लिख लेना। वे काम करते हैं। क्या काम करते हैं पिताजी, वो भी आप लोगों को लिख लेना है। मेरी माताजी का नाम है। आप अपनी मम्मी का नाम लिखना है यहाँ पे। वे घर का काम करती हैं। मेरे एक भाई और एक बहन है। आपके जितने भाई बहन हो उतना लिख लेना। मैं सिद्धि हिंदी विद्यालय में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। मुझे पढ़ना पसंद है। मुझे सैनिक बनने का शौक है। मैं बड़े होकर सैनिक बनूंगा या बनूंगी। लड़के होंगे तो बनूंगा, लड़की होंगी तो बनूंगी। मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा या
करूंगी, मैं अपने माता पिता और अपने स्कूल का नाम रोशन करूंगा या करूंगी। ठीक है बेटा, ये हो गया अपना परिचय। इसको आपको एक बार सुंदर सुंदर अक्षरों में CW में और एक SW में लिख ले।